अगर मुंबई में रह के राजस्थान वाली फीलिंग चाहिए तो यहाँ पे जरूर आना। गाइस आज फिर से हम लोग जा रहे हैं कोई तो एक फार्म हाउस में, बट ये है प्राइवेट विला, ये जो है मुरबाड़ में, मतलब यहाँ से हार्डली कुछ 80 किलोमीटर कुछ यहाँ से बता रहा है, दो घंटे में तो हम लोग पहुँच ही जाने चाहिए। तो एनीवेज कैसा है पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका सबका प्यार नेरा मिथ मुंबई कर। सो गाइस आज का प्लान है ना, मतलब इतने टाइम से लास्ट टाइम दो तीन जो भी फार्म हाउस हुए रिसोर्ट हुए उसमें अपने दोस्त लोग थे सिर्फ और सिर्फ, इस बार थोड़ा बीवी को भी तो घुमाया जाए। तो अभी हो चुके हैं कुछ 1:30 हो रहा है, 2 बजे निकलने का प्लानिंग है। बीवी किधर है, रेडी हो गए क्या? अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा काम चल रहा है। तो फटाफट अभी रेडी तो हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मतलब 2 व्हीलर से जाना था बट 4 व्हीलर से ही जाएंगे क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा है भाई साहब, क्या ही करें। फाइनली अभी जाके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब अभी लेट किया आज है ना, ये इसने लेट किया, ठीक है प्रणव यस इसने आज बहुत ज्यादा लेट कर दिया, 1.5 घंटे से कब से राह देख रहा है, अभी तक अता पता नहीं। ये तो मेरा दोस्तों का तो अभी क्या ही बोल सकते, अभी इस बार तो बीवी मेरी जल्दी रेडी हो गई, नहीं तो हमेशा वो लेट थोड़ा करवा देती। गजब बेइज्जती है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। घर से निकले कि नहीं ये वाला ट्रैफिक चालू, मतलब ये ट्रैफिक हमेशा रहने वाला है भाई साहब, मतलब यहाँ पे ये कभी कम नहीं होने वाला। अपन कुठे आलो, ठाण्या मध्ये आता, ठाण्या मध्ये काय खाणार अपन? अरे फक्त पाव आहे, वडे कुठे आहेत? अच्छा तिकडे वडे, हाय वडे, ओ माय गॉड, हा वडा पाव, वडा पाव। फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हो भाई साहब, एंट्री तो देखो फेस है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे यहाँ पे पहुँच गए, मतलब यहाँ पे ना पूरा का पूरा रो बंगलो वाला ही है, हम लोग ने जैसे एंट्री किया अलग ही टाइप के बंगलो है, मतलब एकदम पुराने जमाने में आए हैं वैसे ही लग रहा है। अभी हम लोग का बंगलो है ये, उसी के एग्जैक्टली बाजू में बहुत ही अच्छा मंदिर बना है। वैसे ये बंगलो काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब टोटल है 6 BHK। अंदर एंट्री करके देखते हैं कि इतना प्यारा और इतना बड़ा हॉल दिया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हॉल है। और यहाँ पे 3 बेडरूम है, एक यहाँ पे बेडरूम, एक वहाँ पे बेडरूम और एक वहाँ पे, मतलब 2 बेडरूम में, यहाँ पे जो बेडरूम है इसमें वॉशरूम है, यहाँ पे जो बेडरूम है इसमें भी एक वॉशरूम है वहाँ पे, और ये वाला जो बेडरूम है वो डायरेक्टली बाहर कनेक्ट होता है पूल साइड में। तो मतलब भाई यहाँ का जो इंटीरियर है और जो डिज़ाइन है वो अलग ही है, मतलब मैंने तो अभी तक जितने भी बंगलोज फार्म हाउस किए ना इस तरीके का था नहीं, बट बोलते ना थोड़ा पुराने ज़माने में आ गया और पुराने ज़माने की चीज़ जैसा कुछ बनाया वो है ये वाला बंगलो, कि पूरा वाइट फिनिशिंग दिया है इसको पूरा का पूरा। अभी तो फिलहाल तो ठीक से नहीं दिखेगा बट मॉर्निंग में बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला है, तो मॉर्निंग में ही मैं ठीक से एक्सप्लोर कर पाऊँगा। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी बना है, बहुत ही प्यारा। ऊपर चल के भी देखते हैं, यहाँ पे जैसे 3 बेडरूम है सिमिलर थिंग ऊपर भी है, मतलब बहुत बड़ा हॉल है और उसको लग के 3 बेडरूम है अलग अलग, ऊपर चलने के बाद में भी सेम सीन है। तो हम लोग अभी आ गए टेरेस पे, मतलब यहाँ पे अभी कैमरा में सब चीज़ें तो नहीं कैद हो पा रही है बट हम लोग जो देख रहे हैं भाई साहब मस्त एकदम, टेरेस बहुत ज़बरदस्त है, तो मॉर्निंग में ही अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे अभी हम लोग हैं हॉल में, हॉल में और एक ज़बरदस्त सीन है जो कि है ये प्रोजेक्टर, ये देखिए। तो भाई अभी इतना प्यारा यहाँ पे स्विमिंग पूल है, मतलब है काफ़ी बड़ा है, मतलब दिखने में काफ़ी छोटा दिख रहा है बट है ठीक ठाक है, वैसे 10 जन के लिए तो एकदम इनफ ये वाला स्विमिंग पूल हो जाएगा। ये देखिए
6:45 हो चुके हैं। इतनी गहरी नींद में था ना भाई साहब की क्या ही बताओ, बट सनराइज देखना है बॉस तो उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप हर एक बंगलो देखिए भाई साहब, मतलब इस तरीके के हर एक बंगलोज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये पूरा एरिया रजवाड़े की फीलिंग देता है, ऐसा लगता है कि हम लोग हैं राजस्थान में। तो अभी सनराइज़ देख के हो गया, अभी ये प्रॉपर्टी, कल रात को मैं जब भी आया तभी ये प्रॉपर्टी के बारे में ठीक से बता नहीं पाया क्योंकि लाइट्स वगैरह बहुत कम थी बाहर के साइड में और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। अब भी जाके मैं पूरी प्रॉपर्टी का आपको टूर करवाऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके का प्रॉपर्टी, बट मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, अगर आप सबको भी पता है तो ज़रा बता देना, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक बंगलो इस तरीके का दिख रहा है और हर एक बंगलो के ऊपर ये ऐसा कुछ एक घूमट, मतलब ये देखिए ये साइज़ का हर एक बंगलो के ऊपर ऐसा है, मतलब हर एक बंगलो कुछ अलग तरीके से बना है बट कुछ एक सिमिलरिटी हम सबको दिखाई दे रही है ये सब बंगलोज में। अगर किसी को पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि ये राजस्थान में इस तरीके का रहता है या एग्जैक्टली कुछ तो एक साइन एक रहेगा या कुछ तो एक रहेगा ज़रूर। सो गाइज अभी फाइनली टाइम है पूल देखने का, पूल के अंदर उतरने का, क्योंकि अभी भाई बाकी तो कोई उठ ही नहीं रहा है, सब लोग सो ही रहे। अभी यहाँ पे अपना बियर्ड बाबा उठ गया हमेशा की तरह, वो है अपने साथ में, और यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है, मस्त शिव जी का मंदिर है, इसके ही पीछे एग्जैक्टली वहाँ पे पूल है, मतलब यहाँ पे एक बेडरूम है वहाँ से भी डायरेक्टली एंट्री आपको पूल के यहाँ पे मिलेगा। रात में ना पूल का लाइट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया था, मतलब सच में ज़बरदस्त था। सो गाइज अभी जाके फाइनली पूल में उतर के नहा धो के एकदम मस्त एकदम फ्रेश हो चुका हूँ मैं, तो अभी जाके यहाँ का थोड़ा बहुत टूर करवा देता हूँ। मतलब कल तो मैंने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि ये है टोटल 6 BHK विला जो आपको कम्प्लीटली प्राइवेट मिलेगा विथ स्विमिंग पूल, बट 6 BHK में से आपको 5 BHK ही मिलेगा। एक बेडरूम है जो है जो ओनर है उनका रहेगा वो, तो वो कम्प्लीटली बंद रहेगा, तो आपको 5 BHK मतलब 5 बेडरूम आपको यूज़ करने मिलेगा, प्लस हॉल भी है, दो बड़े बड़े हॉल है, प्लस यहाँ पे भाई साहब मतलब जो कंस्ट्रक्शन है आप देखिए ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मैंने तो भाई साहब मतलब मुंबई में देखा नहीं था ऐसा। एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो जैसा मैंने मेरा गाड़ी पार्क किया है, और वहाँ पे बाइक वगैरह पार्किंग के लिए भी जगह है, और बहुत सारी चीज़ें ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो किचन एरिया है ये भी बन रहा है, रसोई वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका कुछ भी बनाने का रहेगा या जो भी रहेगा आप ये साइड में आप यूज़ कर सकते हो। एंट्री का गेट वगैरह मेरे को काफ़ी पसंद है, यहाँ पे एंट्री करने से पहले यहाँ पे भगवान के दर्शन। नीचे एक बड़ा हॉल है और 3 BHK है, और ऊपर भी उसी तरीके का एक बड़ा वाला एक हॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 बेडरूम्स है, बट ये वाला बेडरूम आपको नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर टेरेस पे भाई साहब ज़बरदस्त है व्यू, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के मैंने सनराइज टेरेस पे से ही देखा है, और इसी को लग के ये वाला एक बालकनी है, बालकनी भी काफ़ी प्यारा है। सो गाइज अभी फाइनली देख लेते कि यहाँ के रेट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कम्प्लीटली विला विथ स्विमिंग पूल प्राइवेट 5 BHK आपको क्या रेट में मिलेगा। 10,000 फॉर 10 पीपल विदाउट फूड, यस 10,000 रुपया 10 जन के हिसाब से ये कम्प्लीटली विला आपको मिलेगा 5 BHK विथ स्विमिंग पूल और कम्प्लीटली प्राइवेट, तो ये विदाउट फूड वाले रेट्स है। और अगर 10 जन के ऊपर अगर पब्लिक बढ़ती है तो 500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। और एक है यहाँ का पैकेज, अगर आपका ग्रुप है बड़ा 10 जन का है ग्रुप, बट आपको 2 ही रूम्स चाहिए, अगर आप 2 बेडरूम में भी एडजस्ट हो सकते हो 10 जन, तो आपको 5,000 फॉर 10 पीपल ये आपको कम्प्लीटली बंगलो प्राइवेट मिलेगा। अगर आपको 3 बेडरूम चाहिए तो 7,000, और अगर आपको 4 बेडरूम चाहिए तो 8,000। और रही बात फूड की, अगर फूड के बारे में मैं बताऊँ तो यहाँ पे 2 तरह के पैकेज है, एक तो आप यहाँ के मेन्यू कार्ड में से ऑर्डर कर सकते हो, या आपके पास में मेन्यू कार्ड रहेगा यहाँ के पास ही वाले होटल का, वो लोग डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिलीवरी करा देंगे, अदरवाइज फिर 600 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से एक पैकेज है जिसमें घरगुती जेवन, यस आपको घरगुती जेवन मिलेगा यहाँ पे, लंच रहेगा, डिनर रहेगा, इवनिंग का हाई टी रहेगा, और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट रहेगा, तो इसमें वेज नॉन वेज दोनों तरीके का वैरायटी है। फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कल मैंने चिकन वगैरह हम लोग ने खाया, नॉन वेज फूड ही था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको कपल स्टे चाहिए यहाँ पे तो आपको एक ही रूम मिलेगा, उसका चार्जेस रहेंगे 2,000 रुपीज़, जो है स्विमिंग पूल के पास में जो रूम था जहाँ से आप डायरेक्टली स्विमिंग पूल का एक्सेस भी आपको मिल सकता है, बट ना ही आपको बाकी सब एक्सेस मिलेगा। वैसे नियर स्पॉट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे है मुरबाड़ी रिवर
भीमा शंकर, मार्शेस घाट हार्डली कुछ 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे टेंपल वगैरह आपको आजू बाजू मिले। और कुछ भी इंक्वायरी वगैरह रहेगा डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल दिया, ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। मुंबई के अगर पास में रहते हो ना तो इस तरीके का फार्म हाउस और इस तरीके का विला मैंने तो देखा नहीं था भाई साहब, मतलब क्या ही कंस्ट्रक्शन बना है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर मुंबई में रह के राजस्थान वाली फीलिंग चाहिए तो यहाँ पे ज़रूर आना। सो गाइस फाइनली निकलने का टाइम हो चुका है यहाँ से, और अभी क्या करना है, 10 बज गए अभी जाने के लिए, 10 बज गए अभी घर पे जाना है यहाँ से। और बीवी बनाएगी मस्त वाला चिकन आज, संडे मत बनाओ। तो एनीवेज गाइस आप सबको ये वाला मतलब ये थोड़ा यूनिक था, एकदम रॉयल, हाँ रॉयल वाला, रजवाड़ी फीलिंग। तो ऐसे लग रहा था कि मुंबई में है और राजस्थान वाली फीलिंग लग रही थी आज। तो एनीवेज अभी ये वाला ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल गाइस, इट्स मीट मुंबई का। एंड एज ऑलवेज से कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ, नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ।